अरे मेरा फ्री का चप्पल कहाँ चला गया, कहीं इसने तो नहीं खा लिया। हेलो, हाँ सर, मैं एडवोकेट नंद कुमार बोल रहा हूँ। आपको मुझसे कुछ काम था ना, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। फ्री होम सर्विस है, एड्रेस लिखवा दीजिए। भाई साहब, यहाँ आपको पेपर वेपर नहीं मिलेगा। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे हाथ पर लिख दीजिए, मेरे पास पेन है ना। वेरी नाइस, थैंक यू प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर मेरे पास छुट्टा नहीं है, जल्दी एड्रेस बोलिए। किंग्स पोकली, खुराफाती मार्केट, ओके, बंगलो के पीछे, वाह वाह, क्या हैंडराइटिंग, झोपड़ा नंबर 5, आप नाले के सामने, मैं उसी पे रहता हूं, नो प्रॉब्लम, रोज रोज मैं कंप्यूटर में स्टोर कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। सर ये जरा कॉम्प्लिकेटेड एरिया लग रहा है, आप मुझे समझा देंगे कैसे आना है? घोड़बंदर रोड से सीधा आना है, फिर पुणे एक्सप्रेस पकड़ना है, और उसके बाद लेफ्ट मुड़ना है, और उसके बाद तुरंत राइट भी मुड़ जाना है, ठीक है ना? उसके बाद गली में मुझे मुड़ जाना है स्ट्रेट, चलेगा? मैं समझ गया। उसके बाद वहाँ पर एक 5-स्टार ढाबा भी आ रहा है, उस ढाबे से मुझे मुड़ जाना है अंदर की तरफ। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे चले जाऊँ, और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊँ। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मुझे यू टर्न लेना है। ओ अच्छा, यहाँ तक तो समझ गया। उसके बाद मैं 2-4 मिनट में आप तक पहुँच ही जाऊँगा। क्या कहा? पैर जमा कर रखूँ वरना फिसल जाऊँगा। नो प्रॉब्लम सर, मैं समझ गया, पहुँच जाऊँगा। थैंक यू यार, मेरा सब कुछ ट्विस्ट स्टार्ट करके तो यू टर्न ले रहा। वही तो हॉस्पिटल है। अरे वही से तो आ रहा हूँ मैं। वहीं जाकर इलाज क्यों नहीं करवाता तू? अरे वहीं से तो इलाज करवा के आए हो, तभी तो पट्टी बंद गया। सॉरी हाँ, मेरे जज्बात खुदक कर बाहर निकल रहे थे। मैं एक A1 नंबर के वैद्य हकीम को जानता हूँ, जो बिना छुए तेरा इलाज कर देंगे। अच्छा, सुई लगाते हैं क्या? उनके पास सुई तो है ही नहीं। चल सर, एक कंप्लेंट लिखवानी थी। साहब एक कंप्लेंट। उधर जा। अरे हरी हरी दिखेगी तभी तो हरियाली फैलेगी। ये लो साहब। हाँ वजन है। चलता हूँ साहब। नमस्कार। हाँ बको। मेरा नाम शिवराम है, 36 वर्ष राज स्ट्रीट में रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरा पड़ोसी मिथुन मुझे बहुत परेशान करता है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, 2 white and white paper और 2 blue and blue paper लेकर आओ। हैं? अरे थांबा जरा, ए कानपुर, चाय पीना का? हाँ मंगा लो। हाँ तो एक काम करो, 2 चाय मलाई मार के, और मेरे लिए हाँ सिगरेट का पैकेट, और उसके लिए भी बड़ा पैकेट। आई लव बड़े साहब को तो भूल ही गया, उनके लिए 2 बड़े बड़े नारियल जल्दी लेकर आओ। ए बनारसी, पान खाएगा क्या? हाँ चलेगा। हाँ तो उनके लिए 10 पान बनवा दो, जल्दी करना, और मेरे लिए 2 मीठा पान। है साहब मेरे लिए बीड़ी। हाँ इसके लिए 1 बीड़ी का पैकेट ले आना। अरे बहुत सारे काम है, पहले जाके इतना तो लेकर आओ। अरे तुमको सुनता कम है क्या? जाओ ना बाबा जल्दी। आ नहीं तो ओ अंकल, साहब आने वाले, ऑटो का भाड़ा दे देना। किसका? जो इंस्पेक्टर अभी आया उसका। इंस्पेक्टर? वो तेरे घर पे झाड़ू कटका करता है क्या? साहब बोलने का साहब। आ नहीं तो भाई कितने पैसे हुए? 70 रुपए हुए। सब लेकर आ गए ना? जी लाया हूं। चाय ठंडी, बनाने वाला भी ठंडा। चलो छोड़ो। दो दो दो, मेरी बीड़ी दो। बीड़ी बीड़ी ले रे, पकड़। साहब कंप्लेंट। तुम्हारा नाम भूल गया मैं। शिवराम सर। हाँ शिवराम। हाँ हाँ समझ गया समझ गया, ऑटो आ गया है, जाओ। ऑटो के लिए पैसे निकाल कर रखना। यह बुड्ढा ठंडी चाय लेकर आया। सुनिए, आते वक्त चावल और गेहूं लाना भूलिएगा मत। सुनिए भाई साहब, अगर मेरी बात माने तो एक बार एडवोकेट सूर्या से मिल लीजिए। इंस्पेक्टर गोविंद हाजिर हो। शुक्रवार 14 तारीख को दोपहर में शिवराम आपके पास कंप्लेंट लिखाने आए थे। आए थे? हाँ आए थे। और आपने कंप्लेंट लिखी? अब वो कंप्लेंट नहीं लिखी। कंप्लेंट नहीं लिखी, बल्कि अपने लिए, अपने साथियों के लिए, बड़े साहब के लिए, यहाँ तक कि कैदी के लिए और पुलिस स्टेशन के लिए काफी सारी चीजें मंगाई, जिसके पैसे आपने बिल्कुल नहीं दिए। बेचारे बुजुर्ग को अपनी उंगलियों पर नचा के खाने पीने की चीजें मंगाते रहे, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर के रिक्शे का भाड़ा भी भरवाया।
क्या कोई नया नियम आया है जिसके तहत कंप्लेन करने वाले से राशन भरवाया जाता है? नहीं साहब। फिर इनसे ये सारी चीजें मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो मैं क्या ऐसा बिल पास हुआ है कि सारे बड़े इंस्पेक्टर को साहब बोलना जरूरी है? नहीं नहीं साहब। या ऐसा कोई नया कानून बना है कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। तो आपने शिवराम से बदतमीजी से इंस्पेक्टर को साहब बोलने के लिए क्यों कहा? गलती से मिस्टेक हो गई साहब। मुझे साहब बोलने की जरूरत नहीं। लगता है साहब तुम्हारा तकिया कलाम बन गया है, या फिर तुम्हारा चापलूसी करने का बड़ा हथियार है जिसके जरिए तुम अपना उल्लू सीधा करते हो और नागरिकों से भी ये बुलवाते हो अपना काम निकलवाने के लिए। इसमें सिर्फ ये इंस्पेक्टर नहीं बल्कि डेप्यूटी कमिश्नर भी शामिल है सर। तो योर ऑनर, मैं डेप्यूटी कमिश्नर को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। डेप्यूटी कमिश्नर मूर्ति हाजिर हो। आप ही डिप्टी कमिश्नर मूर्ति हैं? जी हाँ। पार्ला ईस्ट का पुलिस स्टेशन आपके अंडर आता है? जी हाँ, मेरे अंडर में। क्या आपके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए सिगरेट और चाय की घूस देनी पड़ती है? इस चलन की आपको खबर है या फिर जान के भी आप अनजान बन रहे हैं? छोटी मोटी चीजों को घूस नहीं कहते। अच्छा, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं? आपको लगता है छोटी मोटी चीजें बाजार में फ्री में बटती हैं? सिर्फ पैसे मांगना ही घूस नहीं होता, चीजें मांगना भी रिश्वतखोरी है। पुलिस स्टेशन ही नहीं, चलते फिरते आप लोग सड़कों से भी पैसे वसूलते रहते हैं और उन पैसों को आप लोग अपना हक समझते हैं। भिखारी और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, आपके पास वर्दी है और उसके पास कटोरा। अच्छे रक्षक हो। योर ऑनर, ये बुजुर्ग अपने पड़ोसियों से परेशान होकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने गए, पर वहां जाके इनसे और परेशान हो गए, इसलिए अदालत आना पड़ा। उस दिन शिवराम जी के पास कुछ पैसे थे जिनसे वो राशन खरीदने वाले थे, पर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर ने उनके सारे पैसे खर्च करवा दिए। तो एक गरीब की रोजी रोटी छीनने की सजा क्या मिलनी चाहिए ये मैं कोर्ट पर छोड़ता हूं। अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करने के लिए मैं इंस्पेक्टर पे आईपीसी 166A के तहत रिश्वतखोरी के लिए करप्शन का चार्ज लगाता हूं योर ऑनर। और इस सब के बारे में जानते हुए भी अनजान बनने के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर पे जनता की रक्षा ना करने के जुर्म में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के तहत मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। साहब मांडवली कर लो, परफ्यूम रख लो। चल निकल यहां से, मेरी नौकरी खाएगा क्या गधे। अरे साहब इंपोर्टेंट माल है। अबे चल भाग ना यहां से। हालात को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्ग के साथ बदसलूकी के जुर्म में इंस्पेक्टर देवराज और इंस्पेक्टर गोविंद और डिप्टी कमिश्नर मूर्ति को हुक्म देता हूं कि वो अपनी 3 महीने की पगार को जुर्माने के तौर पर भरेंगे और इसके अलावा इंस्पेक्टर गोविंद और इंस्पेक्टर देवराज दोनों को कंट्रोल में ना रखने के जुर्म में डिप्टी कमिश्नर मूर्ति को 4 महीने के लिए यह अदालत सस्पेंड करने का हुक्म देती है और अब यह अदालत यहीं पर बर्खास्त होती है। आपको 4 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नो कमेंट्स। आप रिश्वत लेके काम करते हैं? नो कमेंट्स। एडवोकेट सूर्य ने तो आपको 4 महीने के लिए सस्पेंड करा दिया, 4 महीने क्या करोगे? ए, शट अप। सॉरी सर, भूल से टकरा गया। ये टकराना तुझे भारी पड़ेगा और इस गलती का अंजाम तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्यों सूर्या, कैसे हो? सोचा था कोर्ट में सामना होगा लेकिन किस्मत ने यहां मिला दिया। तुम्हारे जीजा का अंतिम संस्कार कब है? तेरे क्रियाकर्म के बाद। आधा लीटर दूध लेकर गई थी लेकिन कम निकला और जब गर्म किया तो फट गया। पता नहीं कैसा दूध बेचते हो तुम लोग। जाओ कहीं और से खरीद लो।
हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, मैंने दूध गर्म किया तो मेरा दूध भी फट गया, घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। तो जाओ तुम भी कहीं और से खरीद लो, मैंने तुम लोगों को नहीं बोला था कि यहाँ से आके दूध खरीदो, समझे? ओ दूध वाले, तुम्हें औरतों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है क्या? आप तुम लोग मुझे आके तमीज सिखाओगे? मेरे को कुछ नहीं बोलने का। दूध तुमसे लिया था तो शिकायत भी तुमसे करेंगे ना? ओ मैडम, ये दूध की फैक्ट्री मैं नहीं चलाता, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो इस फैक्ट्री के मालिक जीके से जाके पूछो, वही तुम्हें इसका जवाब देगा। ठीक है, अब मैं तुम सबकी पोल खोल कर रहूंगी। ये देखो, ये जीके कंपनी मिलावटी दूध बेच रही है। ये अदालत सरकार के बताए नियमों के अनुसार दूध की क्वालिटी सही ना होने के कारण और साथ ही उसमें मिलावट करने के जुर्म में, ये अदालत जीके की दूध की सारी फैक्ट्रीज पर हमेशा के लिए ताला लगाने का हुक्म देती है। जीके की दूध की सारी फैक्ट्रीज पर कोर्ट ने ताला लगा दिया है। साथ ही हमें ये भी खबर मिली है कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। ये सारी जहरीली शराब जीके की वाइन शॉप से बरामद हुई है, इसलिए एडवोकेट सूर्या ने कोर्ट से अपील की है कि जीके की जितनी भी वाइन शॉप्स और दूसरे दारू के अड्डे हैं उन पर ताला लगा दिया जाए। कोर्ट से नोटिस मिलते ही पुलिस ने जीके के सभी दारू के अड्डों पर छापा मारा और उन्हें सील कर दिया। मेरी फैक्ट्री, मेरी वाइन शॉप्स सब उसने बंद करवा दी। इतना आसान नहीं है मुझे ऐसे खामोश रखना। इन हाथों में इतनी ताकत है कि मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। Yeah!